टीमर दाम कौन दादा? रियल मी पावर बैंक का दाम 350। भैया मरगई लाइट का कितना दाम पड़ेगा इसका? 50 मीटर का है और 350 रुपये बोल रहे हैं ब्लैक वाला का। अरे भाई बैडमिंटन कैसे करके ये वाला 250 रुपये बोल रहा है ये वाला बैडमिंटन। तो 130 बोले भैया, 100 रुपये में राजी हो गया लाइटिंग के लिए वो। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चांदनी मार्केट विजिट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन के सामने। तो ये व्यू देख पा रहे हो, ये हावड़ा रेलवे स्टेशन का। तो यहाँ चलते हैं कोलकाता का चांदनी मार्केट और आपको विजिट करके एक्सप्लोर कर दिखाते हैं, और चलते हैं हावड़ा का बस स्टैंड पे और वहाँ से बस पकड़ते हैं और रवाना होते हैं चांदनी मार्केट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस आ गया कोलकाता का बस स्टैंड यहाँ पे। तो यहाँ से बहुत सारे बस जाती है चांदनी मार्केट तरफ, तो कोई भी एक बस पकड़ते हैं और चलते हैं कोलकाता का चांदनी मार्केट। तो यहाँ से चांदनी मार्केट जाने के लिए एक मिनी बस तैयार है, तो मिनी बस पकड़ते हैं और चलते हैं चांदनी मार्केट। तो फाइनली बस बैठने के बाद हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए चांदनी मार्केट तक रवाना हो चुका हूँ। तो ये चांदनी मार्केट टर्निंग पॉइंट, तो यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री करते हैं लेफ्ट साइड से टर्निंग लेते हुए। तो चलते हैं इस रास्ते से आगे तरफ और आपको चांदनी मार्केट के अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक के बाद एक रिपेयरिंग वगैरह का दुकान दिख जाएंगे। पर यहाँ पर देख सकते हो काफी बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है। तो रोड के इस पार में और उस पार दोनों साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है। तो और आगे तरफ चलते हैं। तो इस टर्निंग पॉइंट से कोलकाता का चांदनी मार्केट का स्टार्टिंग होता है और एक के बाद एक यहाँ से दुकानें दिखना स्टार्ट होता है। चलिए आगे तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं चांदनी मार्केट के अंदर का व्यू। टर्निंग पॉइंट जैसे कुछ आ गया तो इस गली से आप जैसे एंट्री करते हो तो आपको एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की दुकान दिख जाएंगे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर आपको रास्ते किनारे फुटपाथ पर बहुत सारे पुराने सामान के दुकान दिख जाएंगे। तो यहाँ पर विशेष करके जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उसका रिपेयरिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। तो यहाँ पर जो फुटपाथ पे दुकानें हैं, यहाँ पर लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ और इसके अलावा टेप वगैरह रिपेयरिंग किए जाते हैं। और यहाँ पे गाइस काफी सारे एक के बाद एक मोबाइल रिपेयरिंग के और हेडफोन वगैरह का दुकान है। तो चांदनी मार्केट के रास्ते किनारे फुटपाथ पर सजे दुकानों का एंड यहाँ पे हो जाता है। अब आपको लेके चलते हैं चांदनी मार्केट के मेन मार्केट में। तो चांदनी मेन मार्केट के स्टार्टिंग यहाँ से हो जाता है और यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के एक के बाद एक बड़े दुकानें और छोटे दुकानें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड एक के बाद एक दुकान सारे दिख जाएंगे और बहुत सारे यहाँ पे रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी है मोबाइल के। तो यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान फैले हुए।
तो कोलकाता के चांदनी मार्केट स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिल जाएंगे और स्पेशली आपको यहाँ पे मोबाइल्स और मोबाइल एसेसरीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक के बाद एक मोबाइल कवर के दुकान सजे हुए है और इसके अलावा यहाँ पे वॉच वगैरह के दुकान सजे हुए है और ठीक इसके अपोजिट साइड में ट्यूब लाइट वगैरह के दुकान सजे हुए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड आपको इस चांदनी मार्केट के इस गली में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सजाए गए हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं और आगे फिर दिखाते हैं आपको। तो कोलकाता के चांदनी मार्केट में मोबाइल वगैरह के अलावा यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं। तो ये है कोलकाता का चांदनी मार्केट का सबसे कंजेस्टेड रोड का व्यू। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे क्राउड है। तो इस चांदनी मार्केट के दुकानों पर आपको हेयर स्ट्रेटनर और इसके अलावा सेल्फी स्टिक और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरीज के इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ के चांदनी मार्केट के फुटपाथ में काफी सारे दुकान सजे हुए हैं और फुटपाथ के अलावा यहाँ बहुत सारे जो है बिल्डिंग में जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पे सजे हुए हैं। तो कोलकाता के इस चांदनी मार्केट के फुटपाथ पर जो दुकानें सजे हैं वो विशेष करके रिटेल प्राइस में सेल कर रहे हैं और चांदनी मार्केट के मेन जो रेसिडेंशियल दुकानें हैं वो होलसेल प्राइस में विशेष करके सेल किया करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ए टू जेड एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान दिख जाएंगे। तो कोलकाता के चांदनी मार्केट में आपको मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज और इसके अलावा रिपेयरिंग वगैरह की दुकान आपको काफ़ी संख्या में दिख जाएंगे और इसके अलावा आपको होम डेकोरेटर सामान भी दिख जाएंगे और यहाँ पे रास्ते किनारे फुटपाथ पे काफ़ी सारे आपको मोबाइल की दुकान सजे दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे मोबाइल दुकान सजे हुए। तो और आगे तरफ चलते हैं इस कोलकाता के चांदनी मार्केट के और आगे फिर दिखाते हैं आपको। और चांदनी मार्केट के इस साइड में विभिन्न प्रकार के मोबाइल के कवर और इसके अलावा इमरजेंसी लाइट वगैरह की दुकान सजे हुए हैं। तो कोलकाता के चांदनी मार्केट काफी बड़ा है और काफी पुराना है जिसके कारण कोलकाता के दूसरे क्षेत्रों से और दूसरे राज्यों से यहां पे लोग मार्केटिंग करने आते हैं होलसेल प्राइस में और रिटेल प्राइस में सेल किया करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स वगैरह और इसके अलावा मोबाइल के टेम्पर ग्लास कवर वगैरह सेल हो रहे हैं। तो कोलकाता के चांदनी मार्केट के और आगे तरफ चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं और कितना बड़ा ये कोलकाता चांदनी मार्केट आपको स्टार्टिंग से इन तक का व्यू दिखाते हैं। चलिए और आगे तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो कोलकाता के इस चांदनी मार्केट में काफी सारे क्राउड है और यहाँ पे कुछ बॉक्स टेप वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो और अगर तरफ चलते हैं इस चांदनी मार्केट के और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फाइनली एक और टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिख गया और इस टर्निंग पॉइंट पे चारों तरफ एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और इस लेन में आपको एक के बाद एक लाइन से मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानों पर काफी भीड़ है। तो इस चांदनी मार्केट और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको और देखते हैं कहाँ तक फैला हुआ है।
तो फुटपाथ में भी काफ़ी सारे दुकानें हैं, और फुटपाथ के अलावा बिल्डिंग में भी काफ़ी सारी दुकानें हैं जो गवर्नमेंट दुकानें हैं। और यहाँ पर कुछ मोबाइल एसेसरीज के दुकान सजे हुए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे डाटा केबल, हेडफोन वगैरह, मोबाइल एसेसरीज सेल हो रहे दुकानों पर। और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, और इस टर्निंग पॉइंट से बहुत आगे तक ये चांदनी मार्केट खड़ा दिख रहा है। तो और अगर तरफ चलते हैं इस चांदनी मार्केट की इस टर्निंग पॉइंट से और आएगा व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर रास्ते काम हो जिस कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया है। और यहाँ पे होम डेकोरेटर मैंने सामान जैसे बताया, यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइटिंग वगैरह, मरकरी वगैरह सेल हो रहा है ट्यूब लाइट। और यहाँ पर कुछ ट्यूब लाइट के दुकान एक के बाद एक सजे हुए हैं। तो कोलकाता के इस चांदनी मार्केट में विशेष करके आपको होलसेल इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान दिख जाएंगे। कोलकाता के विभिन्न जगहों से यहाँ पे जो रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, होलसेल प्राइस में बाय करते हैं और रिटेल प्राइस में सेल करते हैं। और यहाँ पे होलसेल दुकान के अलावा आपको यहाँ पे रिटेल दुकान भी दिख जाएंगे। तो अगर आप कस्टमर हो तो यहाँ पे आकर बाय कर सकते हो। और होम डेकोरेटर लाइटिंग वगैरह की दुकान यहाँ पे एक के बाद एक सजे हुए हैं। तो कोलकाता के इस चांदनी मार्केट के और आगे तरफ चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं आपको, और दुकानें दिखाते हैं इस कोलकाता चांदनी मार्केट का। तो यहाँ पे रास्ते किनारे एक के बाद एक दोनों साइड इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सजे हुए हैं। और यहाँ पे एक गली है, इस गली के अंदर एंट्री करने के बाद ही वो काफ़ी सारे दुकान दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक काफ़ी सारी दुकानें हैं इस गली के अंदर भी। तो इस चांदनी मार्केट के मेन रास्ते में काफ़ी क्राउड है, तो फुटपाथ के रास्ते से आगे तरफ चलते हैं और आपको आगे का व्यू दिखाते हैं इस कोलकाता का चांदनी मार्केट के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों का। और यहाँ पे एक के बाद एक लाइटिंग वगैरह, टूनी लाइट वगैरह के, मरकरी लाइट वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं इस कोलकाता चांदनी मार्केट के और आगे व्यू दिखाते हैं आपको। चांदनी मार्केट कुछ टर्निंग पॉइंट से काफ़ी आ गया, तो यहाँ से और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं। और यहाँ पर दोनों साइड में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सजे हुए हैं। तो मेन चांदनी मार्केट के टर्निंग पॉइंट से जैसे आप टर्निंग लेकर आगे तरफ आते हो तो इस साइड में आपको एक के बाद एक दोनों साइड इलेक्ट्रिक के सामान के दुकान और इसके अलावा होम डेकोरेटर सामान के दुकान सजे दिख जाएंगे। तो इस साइड में विशेष करके लाइटिंग वगैरह के दुकान सजे हुए हैं। तो इस साइड से और आगे की तरफ लाइटिंग वगैरह दुकान नहीं सजे हुए हैं, इस साइड में सजे हुए हैं। तो इधर का आपको व्यू दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक के बाद एक लाइटिंग के दुकान सजे हुए हैं। तो यहाँ तक लाइटिंग वगैरह के दुकान सजे हुए हैं इस चांदनी मार्केट के। अब यहाँ से बैक करते हैं और आपको मेन मार्केट में लेके चलते हैं और मेन मार्केट के और आएगा व्यू दिखाते हैं और सारी दुकानों का व्यू दिखाते हैं आपको। तो
चांदनी मार्केट में इस लाइन में आपको होम डेकोरेटर जो सामान होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको लेके चलते दिखाते जहाँ पे मोबाइल वगैरह सेल होते हैं और मोबाइल एसेसरीज के जो आप दुकान होते हैं वो आपको दिखाते हैं। चलिए अगर तक चलते हैं। फाइनली मेन मार्केट में आ गया चांदनी के, तो अब यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चांदनी मार्केट के इस साइड में आपको मोबाइल की दुकान और इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल एसेसरीज के दुकान दिख जाएंगे। चलिए और आगे तरफ चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान दिख जाएंगे। तो और आगे तरफ चलते हैं। और यहाँ पर लाइन से एक के बाद एक होलसेल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान सजे हुए हैं। और इस चांदनी मार्केट के फुटपाथ के रास्ते में भी काफी सारे कस्टमर के भीड़ है। चलिए और आगे तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो एक के बाद एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान सजे हुए हैं। तो यहाँ पे हर दुकानदार का अलग अलग प्राइस है, तो आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ से बाय करते हो आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करके बाय करना होता है। तो और आगे तक चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं। तो ये है कोलकाता का चांदनी मार्केट का मेन रास्ते का व्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे क्राउड है। तो इस साइड में चांदनी मार्केट के आपको विशेष करके मोबाइल कवर वगैरह का दुकान दिख जाएंगे। तो ये ट्रिमर ट्रिमर दाम कौन दादा? 350 दादा 350 बोले ट्रिमर दा। पावर बैंक का कैसे दाम है चाचा? ये रियलमी का पावर बैंक का दाम तो भैया इसका दाम कितना है? 350 350 भी बोल रहे हैं। 350 भैया मरगई लाट का कितना दाम पड़ेगा इसका? हाँ
हाँ हाँ कितना इस मरघाई लाइट का भैया पूरा 150 रुपया 120 फुट का है भैया 120 फुट का है वो ब्लैक वाला कितना दाम पड़ेगा ब्लैक वाला 350 रुपये भैया बोल रहे हैं प्यास मीटर का है और 350 रुपये बोल रहे हैं वो ब्लैक वाला का अरे भाई बैडमिंटन कैसे करके ये वाला 250 रुपये बोल रहा है ये वाला बैडमिंटन मच्छर मारने वाला बैडमिंटन 250 का बोल रहा है तो 130 बोले भैया 100 रुपया में राजी हो गया लैंडिंग के लिए हो तो इस प्रकार से कोलकाता के इस चांदनी मार्केट में विभिन्न दुकानदार के विभिन्न प्रकार के प्राइस होते हैं तो आपको यहां से बार्गेनिंग करके बाय करना होता है तो कोलकाता के इस चांदनी मार्केट में बहुत ऐसे ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी होते हैं तो आपको देख के बाय करना होता है भैया ये वाला हेडफोन कितना प्राइस पड़ेगा 850 का बोर्ड का आई है लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है जैसा ठीक है कंपनी का तो बोल रहे भैया 850 और यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर मोबाइल की दुकान सजे हुए हैं तो यहाँ पर विशेष करके आपको सेकंड हैंड मोबाइल मिल जाएंगे जो रिपेयरिंग करके और सुधार करके यहाँ पे सेल किए जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक के बाद एक मोबाइल की दुकान सजे दिख जाएंगे तो इस चांदनी मार्केट के दुकानों पर आपको एप्पल का आईफोन सैमसंग का मोबाइल और इसके अलावा MI रियलमी ये सारे ब्रांड के मोबाइल आपको दिख जाएंगे तो इस चांदनी मार्केट में आपको एप्पल फोन वगैरह भी सेकंड हैंड मिल जाएंगे जिसका रिपेयरिंग करके यहाँ पर सेल किया जा रहा है और कोलकाता के इस चांदनी मार्केट में काफी ऐसे मोबाइल है जो सस्ते दाम में चोरी के सेल किए जाते हैं तो जब भी इस चांदनी मार्केट से आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल वगैरह अगर बाई करते हो तो आपको केयरफुली चेक करके बाई करना होता है तो यहाँ के दुकानों पर देख सकते हो एप्पल के टैब और इसके अलावा आईफोन और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ब्रांड के मोबाइल सजाए गए हैं और यहाँ पर भी काफी सुंदर सुंदर मोबाइल से दुकान सजे दिख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो तो और आगे की तरफ चलते हैं और इस चांदनी मार्केट के और मोबाइल दुकानों का व्यू दिखाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो एक के बाद एक मोबाइल की दुकान सजे हुए हैं तो ये था गाइस कोलकाता का चांदनी मार्केट का व्यू तो स्टार्टिंग से एंड तक का भी एक्सप्लोर करते हुए मैं बाहर आ गया तो ये था कोलकाता चांदनी मार्केट तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया लाइक कीजिए और अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिलते किस नए ब्लॉग के साथ तो क्रिकेट क्या जय हिंद।